कोलकाता निवासी मंजिंद्र जीत ने इटली में भारत की जीत का परचम लहराया है। मंजिंद्र जीत ने 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें 48 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से उनको 5वां रैंक मिला है। मंजिंद्र जीत हरियाणा पंजाब का ऐसा पहला खिलाड़ी है जिसे यूनिवर्स का अवार्ड मिला है। मंजिंद्र सिंह की इस उपलब्धि से उनके चाहने वाले बेहद खुश हैं। सिरसा पहुंचने पर मंजिंद्र जीत का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए इंटरनेशनल खिलाड़ी मंजिंद्र जीत ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार पर इस गेम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मदद करे तो खिलाड़ी और भी मेडल ला सकते हैं। उन्होंने युवाओं को भी नशे से दूर रहने के लिए इस गेम में रुचि लेने का संदेश दिया है। मेरा सबसे ये स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है, अगर वो भी इस लाइन के अंदर आगे आए तो ड्रग्स से भी लोगों को, इससे जो लोग ड्रग्स कर रहे हैं, अगर बॉडी बिल्डिंग अपनाए तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर अगर कोई भी बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है तो ड्रग्स से तो बहुत दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करती है अच्छे लेवल पे, जैसे यूएसए कर रही है, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली मेरे को। मैंने जितनी भी बॉडी बिल्डिंग की है वो अपने दम पे ही की है, और जो मेरे कोचिज ने, जो मेरे दिल्ली के अंदर कोच हैं परविंदर सिंह नागरा, उनकी स्पोर्ट्स से ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मैं सर यूएसए के थे, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, हंगरी से थे, ईरान साइड के थे और दक्षिण अफ्रीका से थे। तो जो मेरे से जो टॉप फोर में आए हैं वो एक दो इटली के लड़के थे और एक ऑस्ट्रेलिया का था और एक यूएसए का था, और इंडिया का मैं पहला ही था वहाँ पे। और इंडिया से यहाँ से चार गए थे, जिसमें तरुण दत्ता का एथलेटिक बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल आया, और जो मेरे कोच थे परविंदर सिंह नागरा, उनकी 6th प्लेस थी, और एक दिल्ली से था जीतू, उनकी एथलेटिक बॉडी बिल्डिंग में 2nd प्लेस आई है। तो इंडिया से सिर्फ चार ही गए थे, और बॉडी बिल्डिंग में मेरा सिंगल मेडल है इंडिया की तरफ से सीनियर बॉडी बिल्डिंग में। प्रथम तालिका के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी।